अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे कॉर्न चाट, वो भी दो फ्लेवर में। तो पहले हम बनाएंगे क्लासिक बटर कॉर्न। इसके लिए मैंने एक कप कॉर्न को बॉईल करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगा और इसका सारा फ्लेवर जो है वो कॉर्न में आ जाएगा। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही में हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। जब मैंने कॉर्न को बॉईल किया था तब मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और काली मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमने इसे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म बटर कॉर्न बनके तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे देसी मसाला कॉर्न। ये बहुत ही चटपटी और मजेदार से बनने वाली डिश है। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 कप बॉईल किया हुआ कॉर्न। उसके बाद हम डालेंगे 1.5 चम्मच बटर। सेम जैसे हमने पहले किया था, हम बटर को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक। चाट मसाला की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर और हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया और आधे नींबू का रस और हमारे देसी स्टाइल में मसाला कॉर्न बनके तैयार है। इसे आप पार्टी में भी एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।